दोस्तों दुनिया का सबसे रईस सुल्तान, जिसके पास 7000 से ज्यादा कार्स का कलेक्शन है, महल से लेकर प्लेन तक सब कुछ सोने का है। अंबानी और बिल गेट्स जैसे लोग तो इनके आगे हाथ तो जोड़े खड़े रहते हैं। और तो और इनकी रईसी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अपने हेयर कट पर ही 13 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। कुछ समझ में आया कि हम किसकी बात कर रहे हैं? दोस्तों आप उस रईस राजा का नाम सोचकर कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक हम आपका एक और डाउट क्लियर कर देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जरूर सोच रहे होंगे कि हम पुराने जमाने की किसी राजा की बात करने वाले हैं और आपको बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जरा 2 मिनट रुक कर अपनी जनरल नॉलेज को ही बढ़ा लीजिए, क्योंकि पैसा तो लग नहीं रहा, फ्री फंड का नॉलेज आजकल मिलता ही कहाँ है, है ना दोस्तों, पॉइंट वाली बात। चले आते हैं सीधे मुद्दे पर। एक वक्त था जब पूरी दुनिया में राजशाही चलती थी, लेकिन फिर बहुत बदलाव आया, जिसके बाद आज बहुत से देश ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार से चलते हैं। दोस्तों भले ये 21वीं सदी क्यों ना हो, और आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां आज भी राजशाही चलती है, यानी वहां का राजा ही देश का प्रधान होता है, वो जो कह दे वही कानून बन जाता है। आसान भाषा में समझाएं तो राजशाही एक प्रकार का शासन होता है, जहां लीडर या शासक एक विशेष परिवार से ही पीढ़ी दर पीढ़ी चुना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 21वीं शताब्दी में भी इस दुनिया में लगभग 40 से अधिक देशों में राजतंत्रीय शासन व्यवस्था यानी मोनार्कियल सिस्टम ही चल रहा है। ये सुनकर आप थोड़ा चौंक सकते हैं, लेकिन यही सही है। इसलिए कह रहे हैं दिन भर मोबाइल पर कैटरीना और दीपिका का गाना सुनने से कुछ नहीं होगा। हमारे वीडियो को देखा कीजिए। उम्मीद करते हैं बिना बोले ही आपने हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब कर लिया होगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम चलते हैं थोड़ा पीछे, यानी कि इस सुल्तान की रईसी पर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। वैसे समझ में आया आपको हम किसकी बात करने वाले हैं? नहीं समझे? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। जिस रईसी का गुणगान हम आपसे ऊपर कर रहे थे, उस राजा का नाम है हसनल बोलकिया। ये ब्रुनेई के सुल्तान हैं, जो इंडोनेशिया के पास मौजूद है। इनकी अमीरी की चर्चा लगभग पूरे विश्व में फैली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास 20 अरब से भी ज्यादा की संपत्ति है। ये बात जानकर आपकी आंखें चुंधिया जाएंगी। ये सुल्तान सोने के जड़े हुए महल में रहता है। दोस्तों आज हम आपको इस सुल्तान की रईसी की ऐसी गाथा सुनाने वाले हैं जिसको जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, और आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई इतना अमीर कैसे हो सकता है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। दोस्तों आपको बता दें, साल 1980 तक सुल्तान दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे, लेकिन उसके बाद उन्हें इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। भले ही वो इस लिस्ट से बाहर कर दिए गए हों, लेकिन वो न्यूज की हेडलाइन से कभी नहीं हटे। हसनल बोलकिया के पास कुल 7000 से ज्यादा कार्स है। 6 पोर्शे और जगुआर को तो रोजाना कतार में उनके महल के बाहर खड़ी रहती है। जरा सोचिए, जगुआर कार की कीमत 76 लाख रुपए है। अब आप 6 कार की कीमत तो आराम से पता कर सकते हैं। आप जानकर हिल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इनकी कार कलेक्शन में 17 आउडी, 6 बुगाटी, 192 फरारी, 94 ऑस्टन मार्टिन और 465 बेंटले जैसे एक से बढ़कर एक फर्राटेदार कार शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कार का इस्तेमाल सुल्तान के द्वारा ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही किया गया है। इनके कार में सबसे ज्यादा संख्या है रोल्स रॉयस की, जिस पर सोने की परत लगी हुई है। इतना ही नहीं दोस्तों, हसनल बोलकिया के पास दुनिया के सबसे ज्यादा महंगे और एक से बढ़कर एक लग्जूरियस प्राइवेट प्लेन भी है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया तेल का भंडार और नेचुरल गैस है। दोस्तों इस सुल्तान ने अब तक लगभग 3 शादियां की है। इनके तीनों बीवियों में से इनको 5 बेटे और 7 बेटियां भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हसनल बोलकिया ने अपनी सबसे पहली शादी राजकुमारी साले से की थी। उनकी दूसरी शादी हजा मरियम के साथ हुई, लेकिन 2003 में उनका तलाक हो गया। फिर उसके बाद 2005 में सुल्तान ने मलेशिया की टीवी प्रेजेंटेटर के साथ शादी की, लेकिन 2010 में उनके साथ भी उनका तलाक हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन दोनों शादी के दौरान उन्होंने अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं दिया था। वैसे भी दोस्तों आपने सुना होगा, पहले के जमाने में सुल्तान एक साथ कितनी सारी रानियां रखते थे। कुछ लोग कहते हैं कि हसनल बोलकिया के पास इतने पैसे रहते हुए भी प्यार नहीं मिला। हमारे हिसाब से अगर 3 शादी के बाद भी हसनल बोलकिया को प्यार नहीं मिला, तो शायद ये सोचने वाली बात है। खैर हम बात कर रहे हैं दोस्तों पैसों के बारे में।
गाड़ी, प्लेन और बीवियों के बाद अब आते हैं दोस्तों घर के ऊपर। हम भी कभी कभी बहुत अजीब बातें करते हैं ना, इतना अमीर शख्स घर में क्यों, महल में रहेगा ना। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी क्योंकि हसनल बोल्किया के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल पैलेस है। जी हाँ दोस्तों, इस महल में करीब 1788 कमरे हैं। इस महल का नाम है इस्ताना नूरुल ईमान पैलेस। इसे दुनिया का सबसे बड़ा निजी घर माना जाता है। इस पैलेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे नदी के तट पर बनाया गया है, जिसकी वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये पैलेस करीब 2,00,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस महल को बनाते समय 38 अलग अलग टाइप के संगमरमर का यूज किया गया है। इस महल को बनाने के लिए चीन के शंघाई से ग्रेनाइट, इटली से संगमरमर और इंग्लैंड से कांच तक मंगवाया गया है। इतना ही नहीं, चीन में सबसे बेहतरीन सिल्क के पर्दे और कालीन भी मंगवाए गए। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इस महल में 1788 कमरे हैं और 250 से ज्यादा वॉशरूम है। इन सब के अलावा इस महल में एक हेलीपैड, 5 स्विमिंग पूल और एक बड़ा सा बैंक्वेट हॉल भी है। ये बैंक्वेट हॉल कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इस हॉल में एक साथ लगभग 5,000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। दोस्तों, ये महल सिर्फ एक परिवार के लिए यूज किए जाने वाले दुनिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल महल है। सुल्तान का ये इस्ताना नूरुल ईमान पैलेस के गुंबद और इमारतें सुनहरे रंग की हैं, जो आपके काफी दूर से दिख जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस महल को बनाने में लगभग 2 साल का वक्त लग गया। इस महल को 1984 में बना दिया गया था और उस वक्त इसको बनाने का खर्चा आया था 6,653 करोड़ रुपए। दोस्तों, आपको एक चीज तो बताना ही भूल गए, इस महल के बाथरूम में लगी चीजों पर सोने की परत चढ़ी हुई है। और सिर्फ बाथरूम में नहीं, बल्कि महल की दीवारें और तो और महल के हर कमरे में कुछ न कुछ ऐसी चीजें जरूर है जिस पर सोने की परत है। आप इस महल की शान और शौकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस महल में मौजूद अस्तबल यानी घोड़े की रहने की जगह पर एक एयर कंडीशन भी है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, क्योंकि आगे ऐसा बहुत कुछ आने वाला है जिसको देखने के बाद आपका सर भी चकरा जाएगा। अच्छा, जरा आप ये बताइए कि आपका गैराज कितना बड़ा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, पर इस महल के गैराज में करीब एक साथ 110 गाड़ियों को रखने की जगह है। बाकी गाड़ियों के कलेक्शन के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इस महल को रोशन करने के लिए 500 से अधिक झूमर, 51,000 बल्ब और 44 स्टेयर वॉल्स लगे हुए हैं। साथ ही साथ इस महल में 18 एलिवेटर भी लगे हैं। और तो और दोस्तों, ब्रुनेई के सुल्तान का इस महल के अलावा कैलिफोर्निया, लास वेगास और ब्रिटेन में भी एक से बढ़कर एक आलीशान महल है। दोस्तों, बड़े लोग, बड़ी बातें और बड़े शौक। क्यों, हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप बताइए। हम जैसे लोगों के शौक क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए, यार आईफोन मिल जाता तो लाइफ सेट थी, दुबई चला जाता तो सच में स्वर्ग हो जाता। और एकदम एक्सट्रीम लेवल वाला शौक होता है कि यार गवर्नमेंट जॉब लग जाता तो गंगा ना लेता, है ना सच दोस्तों। पर एक बार आप जरा इनके शौक पर नजर डालिए। ब्रुनेई के सुल्तान को प्लेन उड़ाने का शौक है और इसी वजह से उनके पास 3 प्राइवेट जेट है जो साफ साफ उनकी लग्जरी लाइफ को शो करते हैं। सुल्तान का अपना प्राइवेट जेट बोइंग 747-400, बोइंग 767-200 और एयरबस A330-200 है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुल्तान का जेट बोइंग 747-400 किसी पैलेस से कम नहीं है, क्योंकि इसमें सोने से जड़े वॉश बेसिन, नल और फैन है। साथ ही इस जेट में लिविंग रूम से लेकर कई बेडरूम और लग्जरी का हर एक इंतजाम है। इन सारे विमानों का इंटीरियर चेंज कराया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सिर्फ अकेले बोइंग 747-400 के इंटीरियर का खर्चा आया था, वो भी लगभग $120 मिलियन का। रॉयल लाइफ का जीता जागता एग्जाम्पल है ये। और इसीलिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बिल गेट्स जैसे लोग इनके सामने पानी भरते हैं। खैर, अब आप बताइए दोस्तों, क्या आपको भी अभी भी लगता है कि अंबानी दुनिया के सबसे अमीर इंसान है? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। उम्मीद करते हैं दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।